अस्सलामुअलैकुम एडीपी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सो फर्स्टली व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमिन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड एसोसिएशंस इन विच द कंपाउंड पार्टिसिपेट। बेटा बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब उनके दो या दो से ज़्यादा एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉन्डेड फॉर्म में, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टुगेदर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डेड हैं तो वो एक ग्रुप ऑफ एटम है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कोवलेंटली बॉन्डेड हैं और टुगेदर कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हों तो वो अदर अनदर ग्रुप ऑफ एटम बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ एटम जब किसी कंपाउंड में पार्टिसिपेट करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं तो इस कंपाउंड की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं, और वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करती हैं? ऑन दैट फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि वो किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, क्या उनके रिस्पॉन्सेज होंगे, किस किस्म के कंपाउंड जो है वो का कंस्टिट्यूएंट बन सकते हैं, और स्ट्रक्चर जो है फॉर्मूलेशन कैसी होगी, वो सब किस पर डिपेंड करेगा? फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा आपने याद रखना है कि वो रिमेनिंग जो मोलेक्यूल है, जो पार्ट है कंपाउंड का, उस पर डिपेंड करता है। एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़? लाइक उसका वेट क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो रिमेनिंग पार्ट पर जो है वो डिपेंड करेगा। फिर हम लोग केमिकल यहाँ पर हेडिंग ऐड कर सकती हैं, केमिकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ आप जनरली डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बायोडाइवर्सिटी को। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? पहले याद रखें, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, एंड डाइवर्सिटी का मतलब बेटा होता है कि वो कितनी यानी ज़्यादा वराइटी रखता है और कितने ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड का वो हिस्सा है, पार्ट है, बनता है, वो उसकी डाइवर्सिटी है। तो अब केमिकल बायोडाइवर्सिटी में हम सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम जब अलग अलग तमाम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे तभी से देखेंगे। तो यहाँ हेडिंग ऐड कर लीजिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्जली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दे कंटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात है कि हमारे जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं दोबारा बताती जाऊँ, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना तो ज़रूरी है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी उसमें हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कौन से हैं, यानी बायोलॉजिकली मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का पार्ट है, वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसका कंसिक्वेंस है, किसका नतीजा है? वो नतीजा है बेटा उन फंक्शनल ग्रुप्स का जो उनके अंदर मौजूद हैं, उनकी कौन सी टाइप्स हैं, वो किस तरह से उसमें अरेंज हुए हैं, ये सब इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी में जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पार्ट हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वो सब के सब क्या रखते हैं? फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। तो ये इनकी केमिकल बायोडाइवर्सिटी हो गई। फिर बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतना काफ़ी है याद करना। उसके बाद आपने यहाँ एक नोट लिखना है जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स में के जो जनरल फार्मूला है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फायदा हेल्प करेगा, कि यहाँ पे हम लोग एक सैम्पल यूज़ कर रहे हैं आर दैट यूज टू रिप्रेजेंट द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ विच ईच फंक्शनल ग्रुप इज़ अ पार्ट। ये बहुत सिंपल है कि हर फंक्शनल ग्रुप जिस भी कंपाउंड का पार्ट बनेगा, जिस भी कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, उस कंपाउंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप को निकालते हुए बाकी जितना भी मोलेक्यूल बचेगा उस सबको हमने एक शॉर्ट सैम्पल से रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ आर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दी गई है इससे रिलेवेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अ मिथाइल ग्रुप, अ कॉमन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज़ एब्रीवेटेड एज RCH3। यानी यूँ समझें कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ नॉन पोलर, कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच है, जिसमें कार्बन और तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ बाउंड होता है। ये एक हमारा सपोज्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिस मोलेक्यूल या जिस कंपाउंड के साथ पार्टिसिपेट करेगा उसको हम सिंपली एक बॉन्ड के साथ आर लिख के जाहिर कर देंगे, बस दिस। अब ये आर वो रिमाइंडर ऑफ द मोलेक्यूल है दैट मे बी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो भी खुद भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और वो स्मॉल से लेकर लार्जर, यानी वो तीन कार्बन पर मुश्तमिल हो सकता है, दो, एक, या फिर वो एज मैनी एज कार्बन, जितनी भी आप चाहें उस पर मुश्तमिल हो सकता है। तो फिर इतना लंबा
लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको किससे जाहिर कर दिया, एग्जाम्पल आर से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएं बेटा हम लोग अपने फंक्शन ग्रुप से, फर्स्ट फंक्शन ग्रुप डिस्कस करेंगे, उसकी हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और मैंने कहा था साइंटिफिक जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही वो कोई टर्म यूज़ करें उनका उनका जहन फ़ौरन से डिकोड कर ले कि एक्चुअली हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इस टर्म से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहाँ पे अपना देख लेते हैं, एक डिकोड कर लेते हैं या जनरल फार्मूला जो है वो बना लेते हैं कि जी ये क्या होगा हमारा। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी कंपाउंड है वो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से। तो आर इज़ द कंपाउंड जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है। अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाई फंक्शनल ग्रुप है जी बेटा, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सिल फॉर ऑक्सीजन, यानी ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, ठीक हो गया। तो ये इसका जनरल फार्मूला भी बन गया। उसके बाद आप देखें कि हम इसके केमिकल करैक्टरिस्टिक और केमिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ इनके नेम, आप जब लिखेंगी आप इसको इसी तरह से हेडिंग्स को ऐड करते जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया और यहाँ भी लिखा हुआ है कि एब्रीविएटेड आर ओ एच, इसको आप हेडिंग क्या देंगी, जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ आप केमिकल करैक्टरिस्टिक और केमिकल बिहेवियर और केमिकल करैक्टरिस्टिक फीचर, इनमें से कोई भी हेडिंग दे सकती हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, केमिकल बिहेवियर की आप हेडिंग दे सकती हैं, करैक्टरिस्टिक फीचर की दे सकती हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक की आप हेडिंग दे सकती हैं। वो हेडिंग लिखें और उसमें हम इस क्या बताने वाले हैं कि ये कौन सी खासियत है जिसकी बुनियाद पर ये अपने केमिकल रिएक्शंस को जो है वो बाकियों से डिफरेंशिएट कर पाता है या अपनी प्रॉपर्टीज़ को बाकियों से अलग पर कर पाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं। वो है जी इसका पोलर होना, इज़ अ ओ एच इज़ अ पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। यहाँ बेटा ये समझें कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की वजह से ये क्या हो जाता है, ये मैं इसको ज़रा दोबारा कर दूँ ताकि आप समझ सकें कि आपने कितना याद करना है, ठीक है। इसमें से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, यहाँ बेटा आप समझें कि ऑक्सीजन जो है, जो कि केमिस्ट्री के बच्चे तो जानते ही हैं लेकिन बाकी सबके लिए बताती जाऊँ कि ऑक्सीजन जो है बेटा उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है क्योंकि हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, तो 8 के करीब तरीन 6 नंबर है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये ज़रा मैं सिंपल टर्म्स में बेटा आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें, बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रही। ऑक्सीजन जो है, सॉरी इसको मैं, हम लोग ये पेन यूज़ करते हैं। अब ऑक्सीजन को जो है मैंने कहा कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रखता है, 8 होना ज़रूरी है, इसका मतलब वो बाहर से किसी दूसरे एलिमेंट या किसी दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिसीव करता है। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2। अब -2 क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा किस चार्ज के हामल होते हैं, वो माइनस चार्ज के हामल होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो सारे ही बच्चे जानते हैं, चाहे वो साइंस के हैं चाहे वो आर्ट्स के हैं, ठीक है। उन लोग सभी ने जनरल साइंस में भी हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चूंकि माइनस चार्ज होता है तो दैट्स वाई ऑक्सीजन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, -2। इस तरह हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में दूसरा एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन, जिस जो कि एक अपना उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। बट 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, प्लस लिखा है तो भी 1 है, बाकी डिजिट्स हम लाजमी लिखते हैं। तो उसके ऊपर क्या चार्ज आया, +1 आया। अब एज अ होल जब ये ग्रुप ऑफ एटम के तौर पे रिएक्ट करेंगे कहीं भी टुगेदर, तो बेटा क्या चार्ज इसका बनेगा, -2 फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड प्लस फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, -1, यानी एज अ होल इसके ऊपर ओ एच नेगेटिव, यानी इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। मैंने फिर मैं बता रही हूँ कि 1 लिखना बेटा ज़रूरी नहीं है, माइनस मीन्स इट इज़ 1, ठीक है, एक सिंगल माइनस है। अब यहाँ आप समझ लें कि चूंकि इसके ऊपर चार्ज बिल्ड हो गया, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। आपने याद रखना है पोलर मीन होता है कि उस ग्रुप ऑफ एटम या एटम के ऊपर क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है, दैट में बी अ पार्शियल चार्ज और दैट में बी अ कंप्लीट चार्ज। अब उसके पोलर हो जाने की वजह से बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका केमिकल बिहेवियर बिल्कुल ऑल्टर हो जाएगा। अब मैंने इसको किसी के साथ भी बॉन्ड कर दिया, चाहे वो पहले नॉन पोलर था, लाइक मैंने इसके साथ जो भी आर हमारा अटैच है वो नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही OH इसके साथ अटैच हुआ इसकी करैक्टरिस्टिक चेंज हो गई और वो क्या हो गई, ये पोलर बन गया। अब पोलर
पोलर हो जाने की वजह से मैंने बता दिया कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ। इफ़ अ हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द प्रॉपर्टीज़। मैंने डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज़ अपनी चेंज कर लेगा। अब एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल इथेन इज़ अ हाइड्रोकार्बन दैट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर। गौर से सुने और समझे बेटा, हम कह रहे हैं इथेन। अब इथेन क्या है वो आप लोग याद कर लें, थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्ट में, लेकिन ऑफकोर्स जब आप याद करती जाएंगी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, फिर आसान हो जाएगा। इथेन क्या है बेटा, इथेन है हमारे पास टू कार्बन हाइड्रोकार्बन। अब दो कार्बन रखने वाला हाइड्रोकार्बन, अब पहले तो मैं दो कार्बन बना देती हूँ, ये दो कार्बन बन गई, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन है यानी इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाता है। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो, यानी वो दो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है। और इसी तरह से कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, आपने याद रखना है वो चार बॉन्ड बनाएगा। अब मैं इसके चार बॉन्ड ये यूँ, ठीक है, ये बना रही हूँ, ये आप नोट करें कितने हो गए। दिस इज़ वन, दिस इज़ टू फॉर दिस कार्बन, ये कुछ यहाँ पे टू, और ये हो गया थ्री, और ये बेटा हो गया इस कार्बन के लिए फोर, यानी इस कार्बन के ये चार क्या हो गए, पूरे हो गए। अब इसी तरह से अगर मैं इस कार्बन में आऊँ तो ये इसका हो गया वन, ये हो गया इसका टू, ये थ्री, और ऑफ कोर्स दिस वन इज़ फोर। यहाँ तक समझ आ गया। अब कार्बन फोर फोर बॉन्ड बना रहा है। अब फोर फोर बॉन्ड में अगर बिल्ड कर दूँ तो वो कैसे बिल्ड होंगे, कार्बन वन टू थ्री, उसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, और ऑफ कोर्स चूँकि ये दो कार्बन वाला कंपाउंड है तो एक बॉन्ड के साथ तो कार्बन ही जुड़नी है। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे हम, तीन, क्योंकि चौथा बॉन्ड उसने किसके साथ बनाया, कार्बन के साथ। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इथेन। आप याद रखें इथेन कहते हैं दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। अब दो कार्बन मैंने पूरे कर दिए, हमारा पहला कार्बन और ये हमारा दूसरा कार्बन, ठीक है। अब ये दो कार्बन के साथ मैंने एक बिल्डअप कर दिया, क्या इसको हाइड्रोजन्स को अटैच कर दिया ताकि उनके बॉन्ड्स पूरे हो जाएं। जितने बॉन्ड हमने बनाने हैं, कार्बन के चार बॉन्ड करने थे, एक मौजूद था, तीन हाइड्रोजन से बना दिए, एक मौजूद है दूसरे कार्बन के पास भी, तीन हमने क्या अटैच कर दिए, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास हो गया इथेन। इथेन का अगर मैं जनरल फार्मूला बिल्ड करूँ तो कितनी कार्बन है, दो, हम कैसे लिखेंगे, सी टू, और एच आप काउंट कर लें कितने हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो H क्या हो जाएंगे, सिक्स, ये इसका फार्मूला बन गया, टी सी टू एच सिक्स इज़ द फार्मूला फॉर द इथेन, ठीक है। अब यहाँ देखें कि वो उसके साथ अटैच है। फिर अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इफ़ अ हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़, ओ अब हम इसको नहीं ले पा रहे, ये ले लिया, इफ़ अ हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम द रिजल्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इज इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। अब देखें अगर हम, वो क्या हमारे साथ डिस्कस कर रहा है कि अगर हम यहाँ से इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किसी भी एक हाइड्रोजन को इस एटम में से रिप्लेस कर दें, अब हम किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से निकाल देने वाले हैं और इसकी जगह हम किसको लाने वाले हैं, अपने फंक्शनल ग्रुप को लाने वाले हैं, और हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। सो यहाँ मैं बेटा रिप्लेस करने वाली हूँ, देखें हम ये जी इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते, ओ सॉरी सारा हो गया, चलें दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, सी जिसके साथ हमारे साथ तीन H अटैच थे, CH3, उसके साथ दूसरा C है जिसके साथ भी तीन H थे, जिनमें से एक हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक हमने रिप्लेस कर दिया तो उसकी जगह हमने अपना क्या ले आए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले आए हैं OH, ठीक हो गया। तो एक को जैसे हम रिप्लेस करेंगे कितने किसके साथ, अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो ये जो है वो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। याद रखें इथेन से हमने चूँकि उसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अब ये क्या बन गया, अल्काइल बन गया, यानी इथाइल कहलाएगा। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। और उसके साथ चूँकि हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम अल्कोहल भी कहते हैं,
तो ये इथाइल अल्कोहल होगा, या फिर आप यूँ समझें कि अल्कोहल जो है बेटा उसके एंड पे क्या होता है एब्रीवेट, अगर हम उसका नेम लिखें अल्कोहल्स का, मैं अगर यहाँ राइट करूँ अल्कोहल, ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसके नाम के एंड पे क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, और ओ एंड एल लिखा जा रहा है। तो हम जब इसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, एब्रीविएट करते हैं, तो हम उसके नेम के एंड पे क्या ऐड कर देते हैं, ओ एल ऐड कर देते हैं, जिससे उसका नाम बन जाता है। तो ये जो इथेन था अब ये क्या कहला सकता है, एथेनॉल कहला सकता है, ठीक है, इथेन यूँ, ठीक है। अब इथेन के एंड पे अगर मैं ओ एल लिख दूँ तो ओ एल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये ओ एल, ठीक है, तो ये ओ एल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसको दोबारा आपको बता देती हूँ तो आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इथेन का टर्म किसको जाहिर कर रहा है, ये इस ब्लॉक को, इस सी एच थ्री एंड सी एच टू को जाहिर कर रहा है, जबकि इसमें ओल जो है इसके नेम में किसको जाहिर कर रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप ओ हाइड्रोक्सल ग्रुप को या अल्कोहल ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका नेम बन जाएगा एथेनॉल। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एथेनॉल जो है वो किन में पाया जाता है। अब एथेनॉल जो है बेटा वो हमारे जो हैं रुके हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उसमें ये पाया जाता है, यानी जितने भी अल्कोहल के मशरूबात हैं उसमें फिर ये क्या पाया जाएगा, एथेनॉल जो है वो मौजूद होता है, ठीक हो गया, ये भी इसकी केमिकल डाइवर्सिटी हो गई। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम स्टार्ट में हमने शेयर किया था एग्जांपल में कि हमने कहा था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्टर हो जाती हैं। अब देखें इथेन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, वो रूम टेम्परेचर पर क्या था, गैस था, लेकिन जो एथेनॉल है वो अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो पोलर है यानी उसके ऊपर क्या मौजूद है, चार्ज, OH अटैच होने की वजह से चार्ज आ गया ना उस पर, तो अब उसके पोलर हो जाने की वजह से उसके अंदर एक खासियत आ जाती है कि वो जो दूसरे इर्द गिर्द मौजूद मोलेक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। अब बेटा आप याद रखें अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मलेक्यूल्स के दरमियान फासला कम होगा, मलेक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, जब मलेक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो जो गैस फॉर्म थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, लिक्विड में। तो जो हमारा एथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड होगा। यहाँ से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑल्टर्ड हो गई, वो चेंज हो गई। जो इथेन था वो रूम टेम्परेचर पर गैस था, लेकिन जब उसने अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद अपने साथ किसको, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाया, वो पोलर बन गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई, अब वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, वो लिक्विड है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है, बस मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है, बल्कि आगे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से इथेन जो है कि नॉन पोलर था वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन इथाइल अल्कोहल चूँकि अब पोलर बन चुका है तो वो वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो पानी में हल हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साथ उसने दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जो कि किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैच होने की वजह से चेंज हो गई, दैट आर करैक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अब बेटा मैं इसी की आपके साथ ज़रा शॉर्ट टर्म्स में डिस्कस कर जाती हूँ आपके साथ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए आपने कैसे लिखना है, और आप में से जो बच्चे थोड़ा लेंथी याद नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट याद करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप को हम किस तरह से राइट करते हैं, हम इसे राइट करते हैं OH और HO की फॉर्म में, चाहे आप OH लिख लें या HO लिख लें, डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखें जो रेड कलर में आपको शो कर दिया गया, इट इज़ ऑक्सीजन, और जो कि आपको अगर मैं कुछ इस तरह दिखा सकूं, ये देखें रेड कलर में जो एटम है वो ऑक्सीजन का एटम है, और इसके साथ ये जो लाइट ग्रे कलर में एटम दिखाया गया है वो किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। तो ये बनाना खैर ज़रूरी नहीं, आप इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का केमिकल फार्मूला दे दें, जनरल फार्मूला दे दें कि ये OH की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम जो है वो ये ले लें हाइलाइटर, इन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ हाइड्रोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम, यानी एक हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन एटम के साथ, विच इन टर्न इज़ बॉन्डेड टू द कार्बन स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक मोलेक्यूल, जो कि बाद में किसी भी ऑर्गेनिक मोलेक्यूल के स्केलेटन से या किसी कंपाउंड के साथ जो है वो बाउंड हो जाएगा, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा, R के साथ रिप्रेजेंट किया था, ठीक हो गया। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट देखें हम इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं, और बेटा आपने एग्जाम्पल्स लाजमी तैयार करनी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं,
अच्छे से उनको तैयार करिएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल एथेनॉल की जो हम पहले पढ़ के भी आ चुके हैं, मैंने आपके साथ कम्प्लीटली शेयर कर ली कि एथेनॉल क्या होता है, CH3, CH2 and OH उसके साथ बाउंड होता है, तो ये क्या बन जाता है, एथेनॉल। और फिर इसका यूज़ है ये कहाँ मौजूद होता है, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में इस्तेमाल होता है, ये हमने साथ में शेयर कर लिया। और देखें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊपर हमें बता दिया गया कि इनके नेम यूजली जो हैं वो किस पे एंड होते हैं, OL पे एंड होते हैं, जैसे एथेनॉल उसके एंड पे OL लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोक्सल। सिर्फ ऑल पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर अल्कोहल्स वाला यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप OH जो है वो एज फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दिया गया है कि आप क्या क्या लिखेंगी, आप स्ट्रक्चर लिखेंगी, आप उसका नेम लिखेंगी, उसके बाद आप उसकी कोई एक आध एग्जाम्पल लिखेंगी। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स उठा के भी याद करें तो वो आपके लिए तकरीबन थोड़ा इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस किस पे, अपने नेक्स्ट। मेरा ख्याल है आज के लिए एक, अभी के लिए एक काफ़ी है, ताकि शॉर्ट वीडियो हो और आप तक आसानी से जो है वो पहुंच जाए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, सेकंड वन। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।